सो अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। और जैसे मैंने बताया कि हमारे 61 क्वेश्चन कम आए हैं। कई क्वेश्चन मैंने जो बिल्कुल डुप्लीकेट थे वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन 61 क्वेश्चन है। और जो ये क्वेश्चन 61 आए हैं, मैंने कोशिश किया कि इनको मैं डिफरेंट जो है ना सेक्शन में स्प्लिट करूँ। तो उसमें क्या उनकी डोज क्या होनी चाहिए, उनके टाइमिंग क्या होनी चाहिए, साइड इफेक्ट क्या होना चाहिए, स्टूल जब नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, और वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, वो इश्यूज होंगे, और आम नॉर्मल वेट गेन बच्चों में क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस का, और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे जो इस इन कैटेगरी में नहीं फॉल हो रहे थे। तो ये 61 क्वेश्चंस ऑल टुगेदर है। मैं कोशिश किया कि सभी के जितने लोगों के क्वेश्चन है वो सभी इंक्लूड हो जाएं, और कई सवालों के जवाब शायद मैं अपनी प्रेजेंटेशन में दे चुका हूँगा, लेकिन क्वेश्चन मैंने वो अभी रिटेन किए हैं कि कोई डिलीट नहीं किया, ताकि आप सब अपने अपने सवाल जो है वो पहचान सके और देख लें। लेकिन जिस तरतीब में आप लोगों ने सवाल पूछे हैं वो उस तरतीब में नहीं होंगे, लिहाजा आपको भी जरा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि कौन कौन से सवाल आपके थे, और उसके मुताबिक जो है हम कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि क्रियोन डोज के मुतालिक, और ये तकरीबन मेरे हाल पर 20 क्वेश्चन थे, तो वो मैं जो है वो स्लाइड शेयर करता हूँ। ये सवाल मैंने एक एक स्लाइड के ऊपर एक से ज्यादा किए हैं, और जैसे आप देखेंगे कि कई सवाल जो है सेम ही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलो डॉक्टर जुबिया जो है पढ़ेंगे तो मैं जल्दी जल्दी जवाब भी देता जाऊंगा। ठीक है सर, इसमें जो क्रियोन डोजेज के हिसाब से फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि वजन के हिसाब से क्रियोन की रोजाना टोटल डोज कितनी होनी चाहिए। तो इसी का सवाल मैं अभी जवाब देते, तो जैसे मैंने कहा कि 10,000 जो वाला कैप्सूल है क्रियोन का, वन वो पर किलो के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, और अगर 10 किलो का बच्चा है तो अप टू 10 दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसे 10 ही देनी है, अगर 6 से भी काम हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर 6 से प्रॉब्लम है तो आप 10 तक इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज करने हैं तो फिर डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद जो कुछ करना है उसके मुताबिक किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एस्पेक्ट में ये है कि क्या कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ भी क्रियोन लेंगे, अगर लेंगे तो क्या डोज होगी। अमूमन जो है कि खाने में जो है ये तीनों चीजें पाई जाती है, फैट भी पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी। बहुत कम होंगे जैसे हाई प्रोटीन डाइट वगैरह होगी, या हाई कैलोरी जस्ट शुगरी चीजें होती हैं वो होंगी। तो अगर ये स्पेसिफिकली हैं तो उनमें आपको क्रियोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बिलखसूस अगर सिर्फ शुगरी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह है, तो नहीं पड़ेगी। अगर उसमें कुछ प्रोटीन भी है तो फिर आप जज कर लें वो चीज खा के, क्या पहले खाने के साथ क्या आपको कुछ असर उसका बुरा हुआ है या नहीं हुआ है। अमूमन है कि शायद जरूरत ना पड़े, अगर पड़ भी जाए तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी कि फैट के हिसाब से आपको पड़ती है। तो वो आपने अपनी जजमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगी कि क्या मुझे कितने प्रॉब्लम हुई है, और उसके साथ आप थोड़ी सी अगर पहले क्रियोन कुछ और लिया है तो वो ज्यादा कर लें, लेकिन अमूमन जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या एज बढ़ने के साथ क्रियोन की फैट रिकमेंडेड डोज के अलावा एक्स्ट्रा डोज भी देनी पड़ती है। तो एज के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि बच्चे होते हैं कि वो शुरू में उनका पैनक्रियास सही काम कर रहा होता है, कि कई दफा क्रियोन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उम्र के साथ पहले साल डेढ़ में वो हो जाता है। कई बच्चे जो मैंने कहा कि 10-15% पेशेंट्स होते हैं जो पैनक्रियाटिस सफिशियंट होते हैं, कई उनमें बाद में 6-7 साल के बाद जाकर जो है वो पैनक्रियाटिक इनसफिशियंट हो जाते हैं, तो वो ये मॉनिटर करना पड़ता है। अमूमन ये होता है कि जरूरत ज्यादा पड़ सकती है, क्योंकि वजन भी बच्चे का बड़ा हो जाए, या जैसे हम बड़े होते हैं वजन बढ़ता जाता है, हमने खाने की जो कैलोरीज जो मैंने वो आपको चार्ट बताया, जरूरियात वो बढ़ती जाती हैं, तो उम्र के साथ साथ वो कैलोरी इनटेक ज्यादा हो जाती है, उसके साथ साथ क्रियोन की डोज भी ज्यादा हो जाती है, तो हमें अमूमन ज्यादा लेना ही पड़ेगा। और बिलखसूस अगर हम हाई फैट कंटेंट वाली खा रहे हैं तो उसमें भी आपने वो लेना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल आपका वेट गेन और सिम्टम्स और स्टूल आउटपुट के साथ आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये घर की बनी चीजों के बारे में है कि घर की बनी हुई चीजों के साथ क्रियोन की डोज का तय कैसे करें, जैसे 1 चम्मच मक्खन हो गया या चावल, पराठा, दही वगैरह। तो जो चीजें आप बाहर से लेती हैं उनके ऊपर लिखा हुआ आता है कि फैट कंटेंट कितना है, अगर चॉकलेट लिया तो उसके ऊपर लिखा होगा तो वो जरा इजी हो जाते हैं। अगर आप घर में कर रहे हैं तो उसका ये है कि एक तो जो मैंने शेयर किया है प्रेजेंटेशन में लिंक जो किया है ना, उसके ऊपर जाकर आप देख सकते हैं कि आप कौन सा खाना कितना उसमें आप मक्खन डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, पराठा कितना बड़ा है, साइज कितना है, तो उसके हिसाब से देख लें। और दूसरा तरीकाकार ये है कि आप जैसे 1 स्पून ऑयल वगैरह है या घी है तो उसके साथ कम अज कम 1 क्रियॉन जरूर लें, और अगर आप समझे कि इससे ज्यादा है तो 2 ले लें,
और फिर आप उसके सिम्टम्स जो है वो मॉनिटर करें, अपने आप को मॉनिटर करें कि क्या ये डोज मेरे लिए जो है वो ठीक है या नहीं है, तो फिर अपने या अपने बच्चे के हिसाब से उस डोज को आप ऊपर या नीचे खुद कर सकते हैं, या एज ए गेस्ट जो है, एज ए गाइड जो है वो इंटरनेट के ऊपर वो लिंक जो है उसके साथ आप दे सकते हैं। ये जो दही वगैरह है, दही जो है वो मिल्क से बनती है, तो सेम अमाउंट है अगर मिसाल के तौर पे आप जितना वॉल्यूम दही दूध का होगा, जैसे 4 औंस दूध के साथ जो है आपको आधा क्रियाउंस देने की जरूरत पड़ेगी शायद, तो आप उसके हिसाब से वो स्टार्ट करें, और अगर आपका पेट जो है वो ज्यादा खराब है वैसे तो नेक्स्ट टाइम वो फुल कर लें। तो वो एडजस्टमेंट आपने खुद जरा देखनी है, और यही चीज है जो कि आपको बच्चों की भी, और अगर आप खुद बड़े एडल्ट सीएफ पेशेंट हैं तो अपने आप की मॉनिटर करने पड़ेगी, और उसके साथ साथ जो है डोज एडजस्ट कर लें। ठीक है, ये नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी तरह से ही है कि मुख्तलिफ खाने की चीजों के साथ करें उनकी डोज का कोई है कि दही का एक छोटा बॉल है, दरमियाने साइज की चावलों की प्लेट, दरमियाने साइज की 2 पनीर रोटियां, घर की ब्रेड के 2 स्लाइस, इनपे मक्खन लगाओ, इसी तरह। तो ये भी यही है आम, ये ब्रेड के हिसाब से मिसाल के तौर पे जो है ना, ब्रेड इस मेनली कार्बोहाइड्रेट है, इसमें फैट बहुत कम होती है। अगर आप ऑब्वियसली स्लाइस ऑफ ब्रेड पे मुनसर है कि ये, जैसे मैं ग्लास के साइजेस की बात करता हूँ कि ग्लास कितना है दूध का, कितना दूध में जाएगा, ये स्लाइसेस ऑफ ब्रेड भी जो है डिफरेंट बेकरी वाले अपने स्लाइसेस मुख्तलिफ साइज के बनाते हैं, उनका वजन मुख्तलिफ होता है, तो उस हिसाब से जो है आपने देखना है कि वो क्या है। अमूमन ये होता है कि फैट अमूमन कम होती है, एक स्लाइस में अमूमन 1 ग्राम से ज्यादा जो है वो फैट नहीं होगी। तो अगर मिसाल के तौर पर आपने 2 या 3 स्लाइसेस लिए हैं तो वो तकरीबन 3 ग्राम आपकी फैट हो जाएगी, तो इसमें हाफ जो है वो आपको जरूरत पड़ेगी क्रियॉन की। और इसी तरह जो है ये रोटियां वगैरह हैं, अगर खुश्क रोटी है तो उसमें भी फैट होती है, तकरीबन रोटी में तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 ग्राम जो है वो फैट होगी आम मीडियम रोटी में, तो उसके लिए भी आपको हाफ क्रियॉन, अगर 2 रोटियां खाई हैं तो वो 1 क्रियॉन की जरूरत होगी। और राइस जो है अमूमन उसमें इतना नहीं होता है, जो ब्राउन राइस होते हैं उनमें फैट ज्यादा होती है, जो व्हाइट राइस होते हैं उनमें जो कम होती है, लेकिन उसमें अगर आपने कोई घी वगैरह डाला है या ऊपर कोई सालन डाला है तो फिर सालन के हिसाब से, उसके हिसाब से। और यॉगर्ट जो है वो मिल्क के हिसाब से, जैसा मैंने कहा कि जितने मिल्क का वजन होगा रफली उस हिसाब से आप उससे कर सकते हैं, या ये यही साइट जो है जो मैंने बताई है उसके ऊपर भी चेक कर सकते हैं, या अगर आपके पास डाइटिशियन एक्सेस है तो उनके साथ आप लिंक रखें। ठीक है, ये भी उसी तरह से क्वेश्चंस हैं कि रोटी के ऊपर 1 चम्मच देसी घी और साथ कोई भी सालन हो, इसके साथ क्रियॉन कैसे एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट भी ऐसे क्वेश्चन है कि 1 रोटी और कोई भी सालन हो तो उनपे कितने क्रियॉन देंगे, वो भी एक ग्लास के साथ आप खुद अपने आप का अंदाजा लगा लें। बच्चे तो अमूमन 1-2 रोटियां खाते भी नहीं होंगे, कम ही खाते होंगे, लेकिन बड़े बच्चे खा सकते हैं, लेकिन वो आपको बता भी सकते हैं कि अम्मी आज हमें क्या हुआ, इतना क्रियॉन लिया था तो ये क्यों, आप नेक्स्ट टाइम जो ज्यादा कर लें। तो ये आपकी अपनी एडजस्टमेंट होती है, और हर बंदे की हो सकता है एडजस्टमेंट जो है मुख्तलिफ हो, तो जरूरी नहीं है कि सभी को एक जैसी लेना पड़ती है, लेकिन आप जैसे स्पून घी है तो उसके साथ कम से कम आपका 1 क्रियॉन होना चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता कि देसी घी और वलायती घी और डालडा घी और तेल वाला एक ही डोज होगी या नहीं होगी, वो आपको वो साइट के ऊपर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इनका इंश्योर के बारे में था, ये पहले वैसे कहां थे मैं, ये थोड़ा सा तो अपन प्लीज मॉनिटर करें अपनी चीजों के, आपके सिम्टम्स क्या है उस हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट करें। वैसे जो लोग न्यू आए हैं ये उनके लिए मुफीद है, और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको थोड़ी सी गाइडेंस हो जाए कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन जो ओल्ड हमारे पेशेंट्स हैं उन्हें तो ये सभी चीजें आइडिया होना चाहिए, और वो दूसरे लोगों को जो है जैसे ग्रुप में आम बातें चल रही होती है उनको गाइड करें कि हम इतना लेते हैं, ये कितना लेते हैं, ये चीजें जो है हमारा क्लिनिकल ग्रुप में है उसमें आप शेयर करें, लेडीज का ग्रुप है उसमें शेयर करें, ताकि सभी के लिए ये फायदा मंद हो सके। लेकिन हर एक के बंदे की डोज मुख्तलिफ हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक जैसी ही हो। जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंश्योर के 6 स्कूप्स के साथ 1 क्रियॉन लेते हैं, और इनका ये था कि लेकिन अगर मैं 1 लेती हूँ तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा क्यों है। इनका मतलब है कि 6 स्कूप्स में 5 ग्राम फैट है, अगर उसके साथ यानी 5 ग्राम फैट के साथ 1 क्रियॉन काफी है तो मुझे ज्यादा की जरूरत क्यों पड़ती है। दूसरा ये कि इनके डॉक्टर ने इनको ये मशवरा दिया है कि ये 6 स्कूप्स इंश्योर के साथ 4-6 क्रियॉन्स लें, इसकी क्या वजह होगी। तो अगर 1 क्रियॉन के साथ नहीं है तो आपने 4-6 जंप नहीं करना है, आप नेक्स्ट टाइम 2 लें और फिर देखें कि 2 काफ़ी है नहीं है।
लेकिन मेरे हाल में फिर अगर 5 ग्राम है तो 2 से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप उसके साथ और कौन कौन से खाने खा रहे हैं या क्या खाया हुआ था जिसके वजह से हो सकता है, तो आपकी ओवरऑल इनटेक वगैरह के हिसाब से वो भी आपने देखनी है, या अगर सिर्फ ये जो है आपने इंश्योर लिया है तो उसके साथ मेरे हाल में फिर जो है आप 2 कैप्सूल लें, ये 6 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, तो ब्लाइंडली जो है वो जंप ना करें। अगर इंक्रीज करना है तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्टेप्स में करें और अपनी डोज जो आपकी है जो आपको फिर वो सूट करेगी उसके ऊपर वो आप कायम रहे। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि क्रियोन लेने का सही मेथड और डोजेज क्या है। ये मैंने प्रेजेंटेशन में कवर कर लिया है कि आम जो है कोशिश करें कि होल कैप्सूल लें और खाने के शुरू में लें, लेकिन अगर खाना खाते हुए आपको 45 मिनट से ज्यादा टाइम लगना है तो आधी डोज शुरू में ले लें, आधी हाफ में ले लें। अगर बच्चे हैं ओपन करने हैं तो फिर उन्हें ये एप्पल पाई वगैरह के हिसाब से एप्पल वो सॉस वगैरह है उसके ऊपर डाल के वो दें और उसके बाद खाना दें, लेकिन वाटर में मिक्स ना करें, क्रश ना करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकी बेटी है 2 साल 7 माह की, जिसे 1 माह से ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन हो रही है, अगर क्रियोन की तादाद कम करें तो ऑयली स्टूल्स आना शुरू हो जाते हैं, कब्स के लिए ये डेली उसको 5 ml डुफोलेक्ट इस्तेमाल कर रही है, तो जबकि बच्ची का वजन 11.6 kg है, काइंडली इस पर गाइड कर दीजिए। तो जैसे आपने कहा कि अगर आप क्रियोन कम करते हैं तो ऑयली स्टूल आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि खाना हजम नहीं हो रहा है, तो वो ये मैं प्लीज एज ए advice to all the CF patients and the families कहूँगा कि please constipation को treat करने के लिए क्रियोन कम ना करें, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा कि क्रियोन आप थोड़ा सा ज्यादा भी ले रहेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी, और कॉन्स्टिपेशन जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस की वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको जैसे आप ये डुफोलेक के साथ खा रहे हैं या कोई लाइलक होती है वो लेती हैं, कई मूवी को लेती हैं, उन चीजों से आप वो कॉन्स्टिपेशन को जो है वो कंट्रोल करें, बल्कि क्रियोन अपने कम ना करें, क्योंकि अगर ऑयली स्टूल आने शुरू हो जाएंगे तो अब्सॉर्प्शन नहीं होगी, अब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो बच्चे का वजन ही पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, तो क्रियोन को रिड्यूस करना ट्रीटमेंट का हिस्सा कॉन्स्टिपेशन का ना बनाएं, इसे सेपरेट ही रखें तो बेहतर है। तो जो स्टूल होते हैं वो नॉर्मल आना चाहिए, और अगर ऑयली है तो इंक्रीज करें, और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फिर दवाइयों से जो है वो करें, और मेक श्योर कि फ्लूइड्स आप जरूर लें, और उसके साथ आप फाइबर डाइट जो है फाइबर भी अपनी रखें डाइट में, कि फाइबर वगैरह भी रखें और फ्रूट्स वगैरह भी करें, वेजिटेबल्स खाएं, उनसे भी जो है वो होगा, उसमें आपको क्रियोन भी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ जो है आपका फाइबर कंटेंट जो फ्रूट्स में होता है या वेजिटेबल्स में होता है उससे कॉन्स्टिपेशन में भी आसानी होगी। सही, नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर ही हैं कि 5 ग्राम फैट पर 1 क्रियोन 10,000 यूनिट्स देना होता है, अगर 5 ग्राम फैट पर एक्स्ट्रा क्रियोन देना पड़ता है तो इसकी क्या वजह हो सकती है। तो वजह वो जैसे मैं पहले लास्ट क्वेश्चन में बता रहा था कि इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं, वो आप देखना है कि च्यू कर रही हैं सही ले रही हैं, खाने का टाइमिंग आपकी क्या हो रही है, अगर बाउल ज़्यादा लूज थे या गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है तो वो हजम नहीं हुए होंगे, तो इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है एक कैप्सूल से तो आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, उससे नेक्स्ट पे मूव करते हैं कि बेटी को 5 ग्राम फैट को अब्सॉर्ब करने के लिए एक ज्यादा क्रियोन की जरूरत पड़ती है, इन्हें इसको क्रैम्प्स को ओवरकम करने के लिए 2-3 एक्स्ट्रा क्रियोन देने पड़ते हैं, तो इनका ये सवाल है कि क्या ये ग्रोइंग एज के साथ नॉर्मल है। तो एज के हिसाब से लोगों की कैलोरी इनटेक भी होती है, और ये भी करना कि उस खाने में सिर्फ 5 ग्राम फैट था, ये हमारा एक एस्टिमेट भी होता है कि हम समझते हैं कि फाइट है और 5 ग्राम है, और ये एक रफ एस्टिमेट है कि 5 के साथ आपको जो है वो एक क्रियोन चाहिए, जैसे रेंज मूवमेंट होती है कि 4 से 6 ग्राम के लिए एक कैप्सूल की, तो हो सकता है कि इनको 4 ग्राम के बाद जो है वो जरूरत पड़े एक की, और 5 है तो वो ज्यादा की जरूरत पड़ जाए, तो आपने वो बैलेंस करना है कि सिर्फ ये यही नहीं है कि आपने 5 ग्राम फैट दे दी है, उसके साथ और भी खाने में चीजें होती हैं, और एक बैलेंस डाइट देना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ आप ऑयल बच्चे को दे रही हैं, वो भी गलत है, आप बच्चे को एक बैलेंस्ड हेल्थी डाइट दें, सिर्फ ऑयल ना दें, क्योंकि ऑयल से जो है वो इनको प्रॉब्लम होगी, तो अगर आप सही कह रहे हैं कि मैं ऑयल दे रही हूँ साथ एक फैट एक क्रियोन दे रही हूँ, तो ये तरीकाकार आम बच्चे की बाकी न्यूट्रिशन के ऊपर सही नहीं होगा, तो इसके लिए है कि आप बैलेंस डाइट दें जिसमें कि अगर 5 ग्राम है तो वुमन जो है वो क्रियोन ठीक रहेगा, लेकिन अगर ज्यादा की जरूरत पड़ रही है तो आप दे सकते हैं, और दैट इज नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 ग्राम फैट के साथ ये 10,000 यूनिट का एक क्रियोन लेते हैं जो इनके लिए काम करता है, तो क्या ये सही है।
जी जैसे कई दफा अभी मैं कह चेक करूँ ये ठीक है और उनके लिए ठीक है तो कैरी ऑन. एक 1.5 साल की बच्ची को कितने यूनिट्स ऑफ क्रेयॉन देने चाहिए? तो ये ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द बेबी और उनके बाल सिम्टम्स कैसे हैं. ये दो चीज़ें जो हैं ये मॉनिटर करना पड़ेगी. तो अगर 1.5 साल के बच्चे का वजन जो है आम जो है मेरे हाल में तकरीबन 10-11 किलो होना चाहिए. अगर 10 किलो है तो 10 तक कैप्सूल आप टोटल दे सकते हैं. लेकिन अगर वजन 8 किलो है तो 8 कैप्सूल जो है वो आप दे सकते हैं, अप टू 8. लेकिन मेरे हाल ये क्वेश्चन जो है इसके साथ कुछ और भी सवाल है जो कि मैं एंड के ऊपर थोड़ा सा कोशिश करूंगा कवर करने की. लेकिन ये है कि वजन के ऊपर मुनसर है और आपके फैट कंटेंट के ऊपर मुनसर है कि क्रियोन आप कितने दे सकते हैं. लेकिन अप टू देयर वेट इन किलोग्राम्स, अगर ये बच्चे का मेरा वजन 8 किलो था तो 8 तक आप कैप्सूल जो है वो आसानी जो है इंक्रीज कर सकते हैं. लेकिन बाउल्स को साफ देखना पड़ेगा और वजन गेन जो वेट गेन है वो देखना पड़ेगा वो हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो मैं ये डिस्कस करूंगा बाद में एट द एंड ठीक है. नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि 2 साल से छोटे बच्चों के लिए हेल्दी डाइट चार्ट तजवीज कर दीजिए. वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, वो डाइटिशियन जो है या न्यूट्रिशनिस्ट है वो ही करेंगे. लेकिन जो है ये कोशिश करें कि आम जो बच्चे मोमन हम कहते हैं कि सीएफ बच्चों को ट्रीट ऐसे ही करें जैसे आम एवरेज को करते हैं, लेकिन इनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जरा ज्यादा होती है. तो वो स्पेसिफिक चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कंसंट्रेट करें कि इन्हें हेल्थी फूड देते रहा करें और साथ क्रियोन वगैरह इतने दें कि उनके जो है बाउल सिम्टम्स वो ना हो और इनका खाना जो है सही हजम होता रहे. लेकिन आप अपने डाइटिशियन से जो है वो प्लीज़ रिज्यू कर सकते हैं, वो आपको मज़ीद जो है गाइडेंस दे सकते हैं इस जमन में. इंडिविजुअली एज के हिसाब से नहीं है वो, कैलोरीज वगैरह चार्ट मैंने आपको बता दिया कि कैलोरीज कितनी होना चाहिए और इंडिविजुअल कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन परसेंटेज कितनी होना चाहिए. लेकिन आप डाइटिशियन से प्लीज़ आपको रिज्यू करना पड़ेगा. जी नेक्स्ट ये कि क्या सीएफर्स के क्रियोन के मुख्तलिफ तादाद की जरूरत इनकी सीएफ जीन पर मुनसर होती है कि कितने क्रियोन की जरूरत होगी? हाँ, ये मैंने जैसे कहा कि 85-90% बच्चे होते हैं जिनको के क्रियोन की जरूरत पड़ती है और 10-15% को नहीं पड़ती है. और ये बिल्कुल सही बात है कि जीन के ऊपर मुनसर है. तो इसका यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द जीन्स या सीएफ वाले मरीज हैं उन्हें जरूरत पड़ती है, और जिनको जरूरत नहीं पड़ती है कि बाद में उन्हें जरूरत पड़ सकती है तो वो उनमें मॉनिटर करना पड़ता है. तो ये डिफरेंट जीन्स डिफरेंट इफेक्ट करती हैं और सेम जीन की दफा डिफरेंट इफेक्ट भी कर सकती हैं. तो इट इज एट द एंड डिपेंडेंट के उनके पैनक्रियास जो है वो कितना इन्वॉल्व है, कितनी उसे प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वो एंजाइम नहीं खा रहे. और इसीलिए जो है ये फीकल लास्ट इज वन टेस्ट वगैरह जो होता है वो करना पड़ता है ताकि पता चल जाए कि उन्हें कितनी कुछ प्रॉब्लम है. सही. नेक्स्ट ये है कि 25 ग्राम्स फैट के साथ 10,000 यूनिट्स के 5 कैप्स क्रियॉन्स देने की बजाय क्या 25,000 यूनिट्स के 2 क्रियॉन्स लिए जा सकते हैं? तो ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में आती हैं. तो मिसाल के तौर पे अगर आप 5 क्रियॉन 10,000 दें 50,000 यूनिट्स बन गई. तो अगर आपने 25,000 वाले आपके पास हैं तो आप 2 ले लें, वो आपकी ठीक हो गई है, नो प्रॉब्लम, इश्यू ऐसा नहीं है. और ऐसे जैसे कहा कि ज्यादा कैप्सूल अगर लेने पड़ रहे हैं किसी को तो हायर स्ट्रेंथ वाले जो है वो कम, अगर बच्चा उससे हुशियर है या मरीज उससे हुशियर है तो कोई इश्यू नहीं है. लेकिन ओवरऑल डोज जो है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए. जैसे 5 क्रियॉन 10,000 वाले 50 बनते हैं तो 2 25 वाले वो भी 50 बनते हैं, तो वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. सही है. फिर ये कि क्या क्रियॉन यूनिट्स की रिक्वायरमेंट और मरीज की उम्र का कोई रिलेशनशिप है? हाँ, वो अभी मैंने कहा कि कई बच्चे होते हैं जब पैदाइशी तौर पे होते हैं उन्हें सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है तो उनके जो है पैनक्रियास जो है वो कई दफ़ा सही काम कर रहा होता है और 1 साल तक 1.5 साल तक वो ठीक होता है, जरूरत नहीं पड़ती है. और कई होता है कि जिनको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस लगातार या ज्यादा तैयार होता है तो उससे पैनक्रियास मजीद खराब हो जाता है. तो अगर उनके पैनक्रियास कुछ खुद अपने एंजाइम बना रहा था तो वो भी बनाना बंद कर देता है. तो वो ये डोज जो है वो एज के साथ वाकई तब्दील हो सकती है. और कई ऐसे मरीज जैसे मैंने बताया है कि पहले पैनक्रियाटिस सफिशिएंट होती है कि वो पहले उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 5-6 साल के बाद उन्हें जरूरत पड़ जाती है. और यही वजह है कि उनके पैनक्रियास में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं लेकिन वो डिफरेंट एजेस पे जाकर वो मैनिफेस्ट करते हैं. तो इट कैन चेंज विद टाइम. सही है. सही से हमारी फर्स्ट सेक्शन खत्म होता है क्रियॉन डोजेज का. नेक्स्ट सेक्शन है टाइमिंग्स ऑफ गिविंग क्रियॉन्स. उसमें पहला सवाल ये है कि इनका बेटा है 1 साल 10 माह का जिसका वजन है 8 किलोग्राम और फर्स्ट टाइम इनको जो है क्रेयॉन्स मिले हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह इनको इस्तेमाल करना है, तो प्लीज मुझे गाइड कर दें.
तो सबसे पहले तो मेरी बहुत सारी दुआ इस फैमिली के लिए जो कि अभी पिछले हफ्ता ही जो है वो हमारे ग्रुप में ऐड हुए हैं। अल्लाह ताला उनके बच्चों को, अल्लाह ताला बाकी के सब बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। तो ये शुरू शुरू में चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, सभी कुछ सीखना, फिजियो करना, खाने के हिसाब से हिसाब लगाना, क्रियोन डोज वगैरह के हिसाब से भी। तो इनको अभी क्रियोन मिले हैं, मेरी इनसे टेलीफोन के ऊपर डायरेक्ट बात हो चुकी है, लेकिन गाइडेंस के हिसाब से अभी बेबी छोटा है तो कैप्सूल इन्हें ओपन करके देना पड़ेंगे। तो वो जो है जैसे 8 किलो बेबी का वजन है तो अप टू 8 कैप्सूल इन्हें डे इन्हें वो दिए जा सकते हैं। और अभी ये बेबी जो है मेनली मिल्क ले रहा है, तो मैंने उनके साथ वो जैसे 4 औंस मिल्क के साथ आधा कैप्सूल है वो मैंने कहा कि स्टार्ट करें, और उसके बाद जो है वो डोज को मॉनिटर कर लेंगे, बच्चे के सिम्टम्स को भी देख लेंगे कि कैसे वो चल रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बहुत सारी दुआएं, और कीप इन टच, ग्रुप में भी सवाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो जो है, जो भी हम सभी ग्रुप मेंबर्स वगैरह एक दूसरे की हेल्प के लिए आए, इंशाल्लाह आपके बच्चे की भी और आपकी भी इंशाल्लाह जितनी हेल्प हो सके करेंगे। इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण देने की एक्यूरेट टाइमिंग क्या है? टाइमिंग वही है कि शुरू में दे लें या हाफ वे थ्रू भी, आधी पहले दे लें आधी बाद में दे लें। और अगर आधे घंटे 45 मिनट से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं, खाना खा चुके हैं, तो फिर लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो खाना जो है वो आप जी डिनर में ऑलरेडी जाना शुरू हो गया है। तो कोशिश करें कि शुरू में लें या डिवाइड करके शुरू में या हाफ वे थ्रू ले लें। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि जैसे कि मरीज को सोते हुए ट्यूब फीडिंग कर दी जाती है, तो क्या ये दुरुस्त होगा कि अगर अपने बच्चे को रात के दौरान जगा कर प्रोटीन शेक या स्मूदी वगैरह दे दी जाए? तो बच्चे की उम्र के ऊपर मुनस्तर है कि बच्चे की उम्र कितनी है। अगर बड़ा है तो कहेगा मामा मुझे सोने दो, क्यों जगाती है रात को। अगर प्रोटीन शेक लेना है डे टाइम में दे सकते हैं, स्मूदी भी डे टाइम में दे सकते हैं, लेकिन अगर रात में जुगाना ही है तो कोई हर्ज नहीं है, आप उसे साथ कैप्सूल उनके दे सकते हैं किसी वक्त भी, जब भी फैट वाली कोई चीज खा के लेगा। लेकिन मेरा ये है कि बच्चे को रात को जुगा के सिर्फ फ्रूट वाली वो या स्मूदी या प्रोटीन शेक क्यों देने, वो डे टाइम में सोने से पहले दे लें। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, जो साइड इफेक्ट्स ऑफ क्रियॉन्स। उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि क्या क्या क्रियॉन की एक्स्ट्रा डोज से पेट में दर्द हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि इसके साथ वॉमिटिंग भी हो जाती है, इसके साथ कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, पेट को भी दर्द हो सकता है, लेकिन यही चीजें अगर क्रियो ना भी दे तो तभी भी हो सकती हैं। तो ये पहले मॉनिटर करना पड़ेगा कि बच्चे के ओवरऑल बाउल हैबिट क्या थी, बच्चे की स्टूल कंसिस्टेंसी क्या थी, क्रियोन देने के साथ कौन सी डोज जो है उसको जो है वो अच्छी लगी है। और जैसे मैंने कहा कि उमूमन आप एक्स्ट्रा कैप्सूल दे भी दिया है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इश्यू इतना बिग नहीं होना चाहिए। मेनली ये होता है कि और वजूहत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन से भी जो है वो दर्द हो सकता है, और जब बच्चा खाता है तो उसको बाउल जो है इंटेस्टाइन मूव होती है तो उससे भी दर्द हो सकता है। तो जरूरी नहीं है ये क्रियोन की वजह से था, बल्कि ये भी हो सकता है कि उसके अंडरलाइन और चीजें जो है उसकी वजह से होगा, तो उनको भी देखना पड़ेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या सीएफ की वजह से भूख बढ़ जाती है? तो शुरू में जैसे मैंने कहा कि कई बच्चों को वो रेशियस एपेटाइट कहते हैं कि बहुत ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि उनके जिस्म में कमी एक महसूस की जाती है, लेकिन बाद में बाकी चीजें जब आना शुरू हो जाती हैं तो अमूमन जो है उनकी एपेटाइट कम हो जाती है। तो यस इट इज ट्रू फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ, लेकिन बाद में जो है वो जरा कम हो जाती है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्रियोन की वजह की ओवरडोज से कब्ज हो सकती है? कब्ज वैसे भी हो सकती है, दैट इज माई पॉइंट कि आप एक तो ओवरडोज मूवमेंट होती नहीं है, और अगर एक कैप्सूल एक्स्ट्रा ले लिया तो उससे कब्ज नहीं होगी। तो आपने जैसे मैंने कहा कि ये ना करें कि क्रियोन कम करें और ऑयली स्टूल हो और आप उस कब्ज को जो है वो क्रियोन कम करने से रोक रहे हैं, क्योंकि कब्ज जो है वो वैसे भी हो सकती है। तो उसको पानी फ्लूइड इनटेक आपके अच्छा होना चाहिए, फाइबर इनटेक अच्छा होना चाहिए, डाइट जो है वो बैलेंस होना चाहिए, और अगर साथ दवाइयां दूसरी लेनी पड़े कॉन्स्टिपेशन वाली वो भी ले, बजाय इसके कि आप क्रियोन को ब्लेम करें। ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कुछ लोगों का होता है ये कंसेप्ट कि उसे कॉन्स्टिपेशन होती है, तो कम करके देख लें एक आधा डेली के रूटीन में, अगर फर्क पड़ता ऑयली स्टूल्स नहीं आते तो। अगर ऑयली स्टूल नहीं है तो ठीक है, लेकिन अमूमन ये होगा कि अगर ऑयली स्टूल आ रहे हैं तो इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन है, और अगर वही क्रियोन की डोज पहले काम कर रही थी तो इट इज नॉट क्रियोन आई थिंक, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज एक्चुअली कॉमन इन सिस्टिक फाइब्रोसिस अदरवाइज एज वेल, नॉट रिलेटेड टू क्रियोन। तो इसलिए जो है मोर कॉमन जो चीज होती है उसको पहले ट्रीट करें, बजाय इसके क्रियोन को करें और उसको कम करें, और फिर हाजमा जो है वो खराब हो और वजन भी ना बढ़े।
सही ठीक है। ये के नेक्स्ट है कि अगर डेली क्रियोन इंटेक जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इससे ज्यादा डोज के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? बारिश होती है तो पानी, बारिश होता है तो पानी पानी आती है, और ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आती है, वो वाली बात है। लेकिन ये क्रियोन के साथ ऐसी बात वो वाली नहीं होगी, क्योंकि क्रियोन इतना ज्यादा आप नहीं खाएंगे लेकिन उसका होगा भी नहीं। अगर आप चेक करें ना इसके साइड इफेक्ट, कहते हैं कि क्रियोन के ओवरडोज के साइड इफेक्ट बहुत मिनिमम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो बाकी चीजों को हल करने की कोशिश करें। तो आप जो इतने क्रियोन लेके आपके स्टूल जो है वो नॉर्मल हो, कंसिस्टेंसी की नॉर्मल हो, तो दैट इज ओके। तो अगर कोई कैप्सूल आपने एक दो एक्स्ट्रा कर भी लिया तो कोई उसके सीरियस साइड इफेक्ट्स या मेन साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, इनकी उम्र 24 इयर्स है और वजन इनका 46 केजी है। कहती हैं कि ये 5 ग्राम फैट के साथ 2 क्रियोन लेती हैं, और इनका सवाल ये है कि क्या ये क्रियोन की दुरुस्त डोज ले रही हैं? साथ में इन्होंने बताया है कि कुछ महीने पहले 5 ग्राम फैट के साथ वो 1 क्रियोन ले रही थी, लेकिन उसके बाद उनको शदीद कॉन्स्टिपेशन हो गई, जो भी पीछे बात हो रही थी, जिसके लिए इन्होंने मूवीकॉल लिया, लाइलैक वगैरह लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। लेकिन जब इन्होंने क्रियोन की तादाद बढ़ा दी तो जिसके बाद कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई, लेकिन इन्हें ये कंफ्यूजन है कि क्या इन्होंने सही किया, क्योंकि अब रोजाना जो है इनके पेट में दर्द रहता है। तो अगर क्रियोन जैसे कह रहे हैं कि इन्हें 2 क्रियोन की जरूरत है 5 ग्राम के साथ, तो दैट इज द डोज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो इट इज ओके। हो सकता है कि दूसरे बंदे को 5 ग्राम के साथ 1 की जरूरत पड़े, तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने अपने सिम्टम्स के हिसाब से, अपने अपने स्टूल आउटपुट के हिसाब से, कंसिस्टेंट के हिसाब से अपनी डोजेज जो हैं वो उन्हें आप एडजस्ट करने की कोशिश करें। और बाकी जो ये दर्द वगैरह कॉन्स्टिपेशन वगैरह चीज़ें हैं उनको बाकी की चीज़ों के साथ हल करने की कोशिश करें, चेक करें। और जैसे डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर लंपी वगैरह फील हो जाती है, एक्सरे से भी पता चल जाता है कि भूख कितनी कुछ है, तो वो कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि आपके क्रियोन कम करने की, क्योंकि क्रियोन से मूवमेंट ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप क्रियोन कम करेंगे कई दफा उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, वो प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी। तो आप जो है अपने स्टूल जो है उसको रेगुलेट करें, और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन वाली मेडिसिन जो लें वो लें, जो कि पाकिस्तान में भी आप काफ़ी मिल जाती हैं, तो उस हिसाब से करें। और इसमें यह है कि जब हम कई दफ़ा होता है कि खुद ही अपने जो है ना इलाज कर रहे होते हैं, और इसीलिए यहाँ का तरीका जो ज़रा मुख्तलिफ है कि हर 2 महीने के बाद 3 महीने से ज़्यादा कोई भी नहीं जाता विदाउट सीइंग द डॉक्टर या मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। तो हम उनके पेट वगैरह चेक करते हैं, देखते हैं, हर चीज़ का पता होता है। पाकिस्तान में जो है 6-6 महीने तक कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जो कि कई मजबूरियाँ इंसान की हो सकती हैं, लेकिन उसमें फिर होता है कि ऐसी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं जिसका कि पता नहीं होता है कि असल वजह अंडरनीथ जो प्रॉब्लम्स रियल प्रॉब्लम है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन है या कि क्रियोन डोज है। सही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, स्टूल्स एंड वेट गेन इश्यूज। उसमें पहला सवाल ये है कि स्टूल में अगर ऑयल के साथ येलो कलर पी ज्यादा हो तो ये क्या जाहिर करता है? ये इंडिकेट करता है कि आपकी या डोज क्रियोन की कम है या फैट फूड में ज्यादा है, तो ये आपका बैलेंस सही नहीं है। तो फैट को मैं कम नहीं करूंगा, बल्कि ये कहूंगा अगर हो सके तो क्रियोन को ज्यादा करें, ताकि ये ऑयली भी ना हो और येलो भी ना हो, बल्कि नाइस सॉफ्ट फोम्ड लाइट ब्राउन या ब्राउन कलर का वो स्टूल हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एक 5 साल 2 माह की बच्ची है जो अपनी उम्र के आम नॉर्मल बच्चों से ज्यादा खुराक लेती है, लेकिन इसके बावजूद इसका वजन नहीं बढ़ता। इनका क्वेश्चन है कि क्या क्रियोन की डोज एडजस्ट करने से कोई हेल्प हो जाएगी इसमें? दूसरों ने बताया कि जब भी वो कोई डाइट लेती है तो उसके बाद उसको जो है वो स्टूल पास करती है, लेकिन वो ऑयली या ग्रीसी नहीं होता। ऑयली या ग्रीसी नहीं होता तो इसका मतलब है कि प्रॉब्ली अब्सॉर्प्शन ठीक हो रही है, लेकिन ऐसे बच्चे इमीडिएटली आफ्टर फूड पास नहीं करते हैं, क्योंकि ये बेबी नहीं है जैसे कि गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स हो, जो कि जब भी फीड करते हैं होता है। ये 5 साल के अगर पेशेंट है तो उसमें ये है कि वो अमूमन ये नहीं है कि आपने 4-6 बजे दफ़ा खाना खाया तो आपको 6 दफ़ा टॉयलेट जाना पड़ता है, क्योंकि अमूमन जो है अमूमन 1 or 2 डेली जाते हैं इस उम्र के बच्चे सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले। तो ये अगर ज्यादा जा रही है तो इसका मतलब है कि देयर इज सम मिसमैच
कहीं ना कहीं जो है ना ये बाउल की प्रॉब्लम होगी, तो क्रियोन मुझे नहीं पता है कि आप ये क्रियोन ले कितनी रही हैं और फूड कंटेंट इनका फैट कंटेंट कितना है कि उस हिसाब से क्या है। तो अगर वजन नहीं बढ़ रहा है और क्रियोन ठीक समझ रहे हैं कि ले रहे हैं, तो फिर जो मैंने बाकी प्रेजेंटेशन में वजूहात बताई हैं वजन ना बढ़ने के, उन्हें वो देखना पड़ेगी कि उनमें से कोई और चीज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से है। और मेन ये है कि कैलरी, टोटल कैलरी इनटेक क्या है, कि क्या बच्चा इतना ले रहा है कि इसका वजन बढ़े या ना बढ़े। अगर नहीं ले रहा तो सबसे पहले तो कैलरी इनटेक जो है वो ज्यादा करें, और उसके साथ फिर क्रियोन भी और भी ज्यादा करना पड़ेंगे। लेकिन ऐसा है कि सबसे पहले कैलोरी इंटेक करें, उसके बाद देखें स्टूल कैसे हैं, और उसके साथ साथ जो है दूसरी चीजें जिनकी वजूहत मैंने वो प्रेजेंटेशन में की है वो प्लीज चेक करके एड्रेस कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टूल की अमाउंट और कलर, स्टूल की क्या अमाउंट और कलर नॉर्मल कंसीडर की जाती है? वो मैंने प्रेजेंटेशन भी बता दिया है, अभी भी जिक्र कर दिया है कि वो लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन और समटाइम्स ग्रीन भी हो सकती हैं, लेकिन टूथपेस्ट कंसिस्टेंसी होना चाहिए। और आम जो एवरेज स्टूल होते हैं वेरिएबल होते हैं, डिपेंड्स कि किसने खाया कितना है उसके हिसाब से भी हो जाता है। तो वो ये है कि पेल, लार्ज, फ्लोटी, ऑयली, फाउल स्मेलिंग नहीं होना चाहिए, और बाकी जो कुछ होगा वो इंशाल्लाह फिर नॉर्मली होगा। ठीक है, इसी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन स्टूल्स की क्या वजह होती है? इनकी बेटी ग्रीन स्टूल्स करती है, कभी डायरिया की सूरत में और कभी हार्ड होते हैं। तो ग्रीन स्टूल जो होता है ना, ग्रीन कलर जो होता है ये बाइल में से आता है, और बाइल जो है वो लिवर से प्रोड्यूस होता है। तो एक तो ये है कि लिवर माशाल्लाह सही काम कर रहा है कि वो बाइल प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जब लिवर से वो बाइल डक्ट जो है एंटर करता है ड्यूडिनम में, तो अगर इंटेस्टाइनल हरी है कि जिसके गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है कि और चीज़ होती है, कई दफ़ा एजिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन जो है वो भी करें, तो वो बाउल जो है वो ज़्यादा एम्प्टी जल्दी हो जाती हैं। तो अगर वो ज़्यादा तेज़ी से बाउल मूव हो रही हैं, तो वो जो बाइल जो कि अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो वो ग्रीन कलर आ रहा है पू का। तो वो इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन उसमें ऑयली वगैरह वो चीज़ें नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। तो कभी कभार ग्रीन स्टूल जो है वो ठीक है, लेकिन लगातार या ज्यादा जो है लूज वो नहीं होना चाहिए, डायरिया नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसका मतलब है कि इसको क्रियोन की जो है वो जरूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्रीन स्टूल से रिलेटेड है कि क्या वाटरी ग्रीन स्टूल्स क्रियोन की लोअर लो लोज को इंडिकेट करते हैं? अनलाइकली, जैसे मैंने कहा कि इट कैन बी नॉर्मल, लेकिन वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह के कितने स्टूल पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके बाकी की चीज़ें क्या है, कितनी कंसिस्टिंग है, वेट गेन क्या है, कितने क्रियोन दे रहे हैं, तो डोज एडजस्ट करके देख सकते हैं कि क्या इससे फर्क पड़ रहा है। कि अगर मिसाल के तौर पर एक कैप्सूल दे रहे हैं तो डेढ़ देख देख लें, दो दे रहे हैं तो ढाई देख देख लें, तीन देख देख लें, तो वो आइडिया जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, क्या CFS की उम्र के हिसाब से इनके स्टूल साइज का कोई स्टैंडर्ड होता है? स्टूल साइज का नहीं है, बल्कि यही है कि कितनी दफा जाते हैं और की कंसिस्टेंसी कितनी है। और आम जो वेट्स, आम जैसे बच्चों में तो वेट वजन ज्यादा होता है, लेकिन एडल्ट्स में ये होता है कि बच्चों का बड़ों का वजन जो है वो स्टैटिक होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इतना किया, लेकिन आई एम श्योर किसी ना किसी ने सभी का स्टूल आउटपुट को वेट करके देखा होगा कितना कुछ होना चाहिए। लेकिन CF पे आमतौर पे यही है कि आप ख्याल रखें कि उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, उसके कलर वगैरह ठीक है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, दैट इज नॉर्मल स्टूल फॉर दैट इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि कितने ऑयली, लार्ज और स्मेली स्टूल्स अगर आए तो ये सजेस्ट करते हैं कि हमें क्रियोन की डोज बढ़ा देनी चाहिए? हाँ, तो ये जो है ना, वैसे जैसे आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये ऑयली, लार्ज, स्मेली स्टूल जो है क्रियोन की कमी की वजह से आ रही है, लेकिन आपने डोज बढ़ाने के लिए आपको, तो वो आप ये देखें कि आपने बच्चे को दिया क्या था और उसके साथ क्रियोन क्या दिए थे। अगर नेक्स्ट टाइम वही चीज़ करनी है, देनी है, तो उसके साथ थोड़ा सा क्रियोन ज़्यादा कर लें, या अगर बच्चे के कंसिस्टेंटली लगातार आ रहे हैं तो फिर आपको ये है कि हर मील के साथ आपको क्रियोन की डोज जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगी। लेकिन कभी कभार अगर एक आ गया है तो उसमें ये नहीं है कि आप पूरे बाकी के जो है वो क्रियोन डोज चेंज करें, लेकिन अगर लगातार आया तो फिर मतवातर आपको डोज एक्स्ट्रा देना पड़ेगी। और ये ख्याल करना पड़ेगा कि जिस फूल के साथ इतने लूज टूल आए हैं उसके साथ नेक्स्ट टाइम डोज क्या देनी है। लेकिन जो आपने खाना खाया है या बच्चा खाना खाता है, ये बाहर नीचे आते हुए तकरीबन इससे 10-12 घंटे कम से कम लग जाती है,
तो जरूरी नहीं है कि जो जब बच्चे ने खाना खाया और उसके बाद जो पू की वो उसी खाने का नतीजा था वो नहीं होगा, क्योंकि वो जो खाना भी खाया है वो बाहर नीचे आने तक 10-12 घंटे लग जाते हैं, तो वो ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या वो यही खाना था या उससे पहले वाला जो खाया वो बाहर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, वो ये कि अगर क्रियॉन की सही तादाद देने के बावजूद ऑयली स्टूल्स हो रहे हैं तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो क्रियॉन की मिकदार ज्यादा करना चाहिए, या अगर कश कर रहा है बच्चा तो कश नहीं करना चाहिए, अगर कैप्स्यूल खा रहा है तो अगर सारी ओपन करके खा रहा है तो होल कैप्स्यूल अगर स्वालो कर सकता है वो करना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर ये देखना है कि क्या ये मैदे में एसिडिटी की वजह से तो नहीं है, उसके लिए किसी किस्म का ओमेप्राजोल वगैरह देने की तो जरूरत नहीं है, तो वो चीजें जो है वो देखना पड़ेगी कि किस स्टेज के ऊपर क्या प्रॉब्लम है उसकी तरह करना चाहिए, लेकिन इन फर्स्ट इंस्टेंट दे शुड इंक्रीज द क्रियॉन और मेक श्योर दे नॉट च्यूइंग इट एंड स्वालोइंग इट प्रॉपरली। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर क्रियॉन प्रॉपर देने के बावजूद वजन नहीं बढ़ रहा तो उसकी क्या वजह हो सकती है? अगर क्रियॉन प्रॉपर दे रहे हैं तो उसका मतलब है कि स्टूल नॉर्मल होना चाहिए, तो वो ही बैक टू स्क्वायर वन कि क्या बच्चा एडिक्वेट कैलोरीज इनटेक ले रहा है या बाकी और किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं है, चेस्ट इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से ये बर्न कर रहा है, या कोई और बीमारी तो नहीं है, या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली दे विल नीड टू हैव लुक एट द वाइडर पिक्चर रादर देन जस्ट द स्टूल, लेकिन अगर स्टूल नॉर्मल है तो ये है कि हो सकता है कि वो बच्चा इतना खाना खा ही नहीं रहा कि जिसकी वजह से वो उसका वजन बढ़े, तो पहले तो खाना ज्यादा करें, खाने में फिर क्रियॉन भी और ज्यादा दें ताकि प्रॉपर स्टूल जो है वो नॉर्मल ही रहे, उसके बाद फिर देखें कि अगर नहीं बढ़ रहा तो क्या साथ इन्फेक्शन हो रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं या कोई और चीज तो नहीं है जो कि बाद में मॉनिटर करना पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या एडल्ट CFI के वेट गेन में न्यूरोबियॉन यानी जो बी कॉम्प्लेक्स है इंजेक्शन का कोई रोल है? इन्होंने एक अपनी फ्रेंड का एक्सपीरियंस शेयर किया था कि इनके एक एडल्ट CFI फ्रेंड है जिनकी 23 इयर्स और एज है और 32 kg वेट है, वेट गेन के लिए किसी डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किए थे न्यूरोबियॉन इंजेक्शन वंस अ वीक फॉर 3 weeks और उनका 3 kilo वजन बढ़ भी गया, तो क्या ये इस इंजेक्शन की वजह से हुआ है और इस इंजेक्शन का जिस्म पर क्या असर होता है? तो मैंने ये ना न्यूरोबायोन देखा, ये तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसका वजन के साथ कोई किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट समझ लें कि पता नहीं हो सकता है कि टीके लगाने से हमारा ये भी होता है कि डॉक्टर साहब हम कमजोरी होगी हमें ग्लूकोज का ड्रिप लगा दें, हमें कमजोरी होगी हमें विटामिन दे दें, लेकिन इनका जो है ना ये ऐसा रोल साइंटिफिकली नहीं है, प्लेसिबो हो सकता है कि लिया और साथ बच्चे ने या बंदे ने खाना भी ज्यादा कर दिया तो वो भी हो सकता है, लेकिन न्यूरोबियॉन का ये जो है ना ये कमाल नहीं हो सकता क्योंकि इसकी साइंटिफिकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही है, नेक्स्ट के ये क्वेश्चन था कि वजन ना बढ़ना साइकोलॉजिकल इशू और ओवरथिंकिंग का बायस बन रहा है, क्या एडल्ट CFI के लिए कोई हेल्दी डाइट सजेशन दे सकते हैं? तो मेरा तो यही है कि जाकर जो है ना अपने डाइटिशियन से मिलें, जो हेल्थ इश्यू वजन के हिसाब से है वो अपना रिव्यू करवाएं कि इनका वजन कितना है, इनकी डाइट कितनी है, इनको प्रॉब्लम है वो क्या है, जो कि क्या डाइटरी एक्स्ट्रा कैलोरीज के साथ जो है वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और साइकोलॉजिकल इश्यू मैंने शुरू में बोला है कि ये वो है इन चीज़ों से जो कि वजन की वजह से होता है, तो वो चीज़ें जो है वो डिस्कस करना पड़ेंगी, लेकिन इंडिविजुअल लोगों के ये जिसके साइकोलॉजिकल इशू हो रहा है सिर्फ सोचने का, तो डाइट सजेस्ट कर दें, डाइट के साथ साथ बाकी की चीजें भी हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट चेस्ट इन्फेक्शन से भी हो सकता है और भी कई एडल्ट्स में हो सकता है, कहीं होते हैं कि कई चीजें और काम करने को दिल करता है, फ्रेंड्स के साथ खेलने को करना है, बाहर जाने को करता है, ईटिंग आउट का करना पड़ता है, तो वो चीजें कई साइकोलॉजिकल इश्यू होते हैं ना, तो व्हाट इज द एक्चुअल इश्यू जिसकी वजह से हो रहा है, लेकिन डाइट से सिर्फ जो है वो बाकी के हाल जो है वो चीजें वो हल नहीं होंगी, इस ओवरऑल चीजें जो है वो डिस्कस करना पड़ेगी कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल इश्यू, जो कि शाई नहीं होना चाहिए क्योंकि साइकोलॉजिकली इश्यूज इन सिस्टिक फाइब्रोसिस आर रियल इश्यूज, बच्चों के लिए भी, बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी और एडल्ट पेशेंट के लिए भी, तो इट इजंट समथिंग कि आप उन्हें छुपाएं या शाई करें कि किसी से डिस्कस नहीं करें, तो वन नीड्स टू रियली डिस्कस दिस इश्यूज और उनकी जो असल वजह है उनको सबसे अगर वजन के हिसाब से है तो फिर तो ईजी है कि डाइट को ज्यादा करें, कैलोरी इनटेक ज्यादा करें और डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग कैलोरी इनटेक है वो भी सजेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कि दे नीड टू डिस्कस देयर इश्यूज विद सम एक्सपर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट ये कि एक एडल्ट CFI को रोजाना 2500 से 3000 तक कैलोरीज देनी चाहिए, लेकिन अपने खाने यानी मील स्नैक्स फ्रूट्स और दूध वगैरह के
टाइम कैसे मैनेज करें और इनके साथ इनके मुताबिक क्रियॉन्स भी। हाँ, 3 बजे उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ें, 4 बजे जो 4:30 बजे फजर की नमाज पढ़ें, उससे पहले कुछ खा पी लें, पराठा खा लें, उसके बाद कुछ करें नहीं। ऑब्वियसली मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, ये कि अब मैं टाइमिंग तो नहीं आपको बता सकूंगा कि आपके टाइमिंग क्या बताएं कि आपने किस वक्त खाना है किस वक्त नहीं खाना है। माशाल्लाह अगर एडल्ट हैं तो आपके अपनी टाइमिंग होगी, आपकी एक रूटीन होगी, आपको पता है कि आपको खाना भी कितना है, तो वो चीज़ें खाने का इंतजाम जो वो तो खुद करना है ना आपने, क्या आपने मैनेज करना है, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, क्या आपकी रूटीन है, रात को जागते हैं दिन को सोते हैं, क्या होता है, तो वो टाइम जो है वो अपने एडजस्ट करें और जो आपकी फैट कंटेंट है उसके हिसाब से आपने क्रियॉन जो है वो करें, और खाने के साथ ही आपने क्रियॉन खाने हैं, क्योंकि खाना नहीं खाना तो क्रियॉन खाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं आपको बता सकता हूँ कि आपने 11:30 बजे लंच करना है या 1:30 बजे करना है या 2 बजे जागना है या 4 बजे जागना है, ये तो फिर आपने अपनी एक रूटीन बनानी है। और अगर रूटीन अच्छी बनाए कि सुबह जैसे मैंने कहा कि नमाज के लिए उठें तो सबसे अच्छी बात होगी, अपनी फिजियो वगैरह करें, चेस्ट क्लियर करें, खाना जो नाश्ता करें उसमें जो है चीज़ें करें, उसके बाद जो भी अपना काम काज है डेली वो करें, अपनी एक रूटीन बनाएं, तो वो रूटीन जो है वो आपके काम के ऊपर मुनसर होगी क्या है, और अपने जो मील टाइम्स हैं उसके मुताबिक। और मेन ये होता है कि 3 मील्स जो हैं वो डे में फिक्स करें और 2 या 3 स्नैक्स करें इन बिटवीन द मील्स, तो उनकी टाइमिंग जो है वो आप करें, लेकिन एज ए गाइड मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3 मील्स मेन मील्स और 2 और 3 स्नैक्स करें और जो टाइम आपको मुनासिब होगा उस हिसाब से करें। सही है। नेक्स्ट ये है कि क्या क्रियॉन की डोज कम होती है जिसकी वजह से लूज टूल जाते हैं? जी मेरा यही सवाल का जवाब है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसे आप दे चुके हैं ये कि क्रियॉन की प्रॉपर डोज के बावजूद अगर ऑयली स्टूल्स हैं तो क्या वजह है, ये क्वेश्चन। हाँ, यही देखना पड़ेगा कि आप क्रियॉन ले कैसे रहे हैं या कोई और वजूहत तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर ये कि अगर एक बच्चा क्रियॉन लेने के साथ नॉर्मल स्टूल पास कर रहा है लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा, इसके लिए क्या करना चाहिए? वो भी मैं चुका हूँ दूसरी चीजों के, बाकी की चीजें देखनी चाहिए कि इनटेक वाला टोटल इनटेक कितनी है, बाकी और चेस्ट इन्फेक्शन दूसरी चीजें और प्रॉब्लम इश्यूज तो नहीं है। ठीक है, ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन ये है कि पुअर वेट गेन डिस्पाइट नॉर्मल स्टूल्स, तो ये मैंने थोड़ा सा आंसर है शायद, नहीं ये आंसर मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर दूंगा कि ये अभी जो आ ना सवाल आ रहा है कि क्रियॉन भी ले रहे हैं और वजन ही बढ़ा है, तो मैंने कहा कि उसके लिए आपको ये है कि ओवरऑल जैसे मैं अभी बता भी चुका हूँ कि आपने कैलोरीज इनटेक करनी है कि क्या वाकई आप इतना खा रहे हैं कि वजन सही आपका बढ़े या ना बढ़े, और ऑल्दो नॉर्मल स्टूल है विद करंट क्रियॉन वगैरह रेशियो के हिसाब से तो अपने खाने की जो मिकदार है वो ज्यादा करें, और बर्निंग जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है वो देखें कि आप तो क्या एक्टिविटीज ज्यादा है या इन्फेक्शन ज्यादा हो रही हैं या कोई और चीजें जिनकी वजह से कि आप ज्यादा जैसे थायराइड ओवर एक्टिव थायराइड वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकती हैं, और इन्फेक्शन होते हैं गले का इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं भी हो सकती हैं, उससे भी कैलोरीज होती हैं, या बाहर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है किसी किस्म की, या अदर डिजीजेज जैसे ये मैंने कहा है कि जो मेन टॉक में मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो चीज़ें तो नहीं है, तो वो आप लोगों ने वो देखना है कि कोई और इश्यूज तो नहीं है। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट सेक्शन ये है कि नॉर्मल वेट गेन और साथ में कि ग्रोथ इन सीएफ, तो उसमें चलते हैं। नेक्स्ट ये कि सीएफ में वेट गेन रेशियो क्या होना चाहिए पर मंथ, क्वार्टरली और ईयरली? ये मैंने एक स्लाइड वो दी थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो 3.5 किलो होता है, 5 महीने की एज तक जो है वो डबल हो जाता है, 1 साल तक वो वजन 10-11 किलो तक चला जाता है, उसके बाद जैसे वजन बढ़ता होता है वो ग्रोथ चार्ट्स जो है वो इस्तेमाल करें, और अपने ग्रोथ चार्ट जो भी है वो इस्तेमाल करें और लाइन देखें कि बच्चे की लाइन कैसी जा रही है, अगर उसी लाइन के ऊपर बढ़ रहा है तो ये सेटिस्फैक्ट्री वेट गेन है, अगर उस लाइन से ड्रॉप हो रहा है तो फिर इश्यू होना चाहिए, तो ये आप जो है वो चार्ट्स के हिसाब से रिव्यू करें और अपने बच्चे का वजन जो है वो मॉनिटर करें। जो छोटे बच्चे होते हैं बेबी होते हैं उनका तो हम तकरीबन 2 हफ्ते के बाद वजन करते रहते हैं, 1 साल के बाद जो है वो कम से कम महीना के बाद, 2 साल के बाद 2 महीना के बाद वजन चेक करते रहते हैं, तो कोशिश कर लें कि अगर आप स्केल ले सकते हैं क्योंकि ज्यादा हॉस्पिटल जाना वगैरह भी प्रॉब्लम होता है, तो आप घर में ही एक स्केल के ऊपर जो है बच्चे का वजन वगैरह करें, चार्ट रखें और चार्ट करके बच्चे का देखें कि वजन जो है वो सही ग्रो उस तरफ लाइन के ऊपर जा रहा है या नहीं, तो उसके मुताबिक जो है उसे मॉनिटर करें। सही है। फिर ये कि 1 साल में कितना वजन बढ़ना एक सीएफ बच्चे के लिए अच्छा कंसिडर किया जाएगा? जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, और ग्रोथ चार्ट के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि वो प्लीज मॉनिटर करें और वो लाइन के हिसाब से उसे जाना चाहिए, लाइन से ड्रॉप नहीं होना चाहिए, अगर लाइन के ऊपर जा रहा है तो दैट इज परफेक्ट, लेकिन ऊपर से ज्यादा ऊपर होना तो हो जाए तो अच्छी बात है, कम नहीं होना चाहिए।
और ये जो है ना ग्रोथ चार्ट, मैंने कहा कि चलो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो कि मैंने ग्रुप में भी किए हैं, तो ये ग्रोथ चार्ट हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बता रहे हैं नीचे इसके जो है ना, ये एज है बच्चे की। तो मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो है जिसकी ये से 4 साल का बच्चा, तो 4 साल का बच्चा जो है इसका वजन जो है आम 16 होगा। अब अगर 5 साल का बच्चा ले लें तो उसका वजन जो है वो 18 है, तो इसका मतलब है कि 1 साल में 2 किलो बच्चे का वजन बढ़ेगा इस उम्र में। लेकिन जो जो ये बड़ा बच्चा बड़ा होगा ना, जैसे मैंने कहा कि 8 साल तक वो फार्मूला जो मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था वो करते हैं, लेकिन 8 साल के बाद ये ज्यादा ऊपर वाली तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि वजन जो है 1 साल में 2 किलो से फिर ज्यादा होना चाहिए। जैसे ये 10 किलो का बच्चा है, इसकी एवरेज ये वजन जो है ये दरमियान में आ रहा है 32 किलो। अगर आप 11 साल का लें तो इसकी एवरेज जो है ये 36 हो गया, तो ये 1 साल में 4 किलो वजन बढ़ा। जैसे कम उम्र बच्चे में ये 2 किलो वजन एक्सपेक्टेड बढ़ना था, ये इस उम्र में 10-11 साल की उम्र में 4 किलो जो है वजन बढ़ना चाहिए। तो ये वजन 1 साल में कितना बढ़ना चाहिए ये उम्र के ऊपर मुनसर है। और इसीलिए इस चार्ट को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, जो कि डाउनलोड भी आप कर सकती हैं या कॉपी कर सकते हैं जो मैंने ग्रुप में भेजे हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और नीचे जो ये मैंने स्केल के थोड़ा सा बता दिया है नीचे कि एज जो है 2 साल के एज का बच्चा जो है उसका एक्सपेक्टेड वेट 12 किलो है, 3 का 14 है, तो इसका मतलब है कि 2-3 साल के दरमियान 1 साल में 2 किलो बढ़ना चाहिए। और यही जो रेशियो है उमूमन है, और जब ये 7 साल का है तो 7 से 8 साल के दरमियान 3 किलो बढ़ना चाहिए, और 8 से जो है ये ऊपर जाए तो ये ज्यादा मजीद बढ़ता जाता है, तो ये वजन जो है बढ़ता जाएगा। तो ये आप चार्ट्स लें, चार्ट के ऊपर डालें तो उससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि कितना वजन बढ़ रहा है और कितना बढ़ना चाहिए, और आपको उस हिसाब से इसके न्यूट्रिशन वगैरह का भी ख्याल रख सकते हैं। वैसे एज ए रिमाइंडर, जैसे मैंने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो 3.5 का होता है, और ये वजन उसके हिसाब से बढ़ता जाता है कि 5 महीने में डबल हो जाता है, 7 किलो का हो जाता है, 1 साल में 10-11 किलो का हो जाता है, तो उस हिसाब से ये वजन जो है मुख्तलिफ एजेस पे मुख्तलिफ रेट से बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर किसी सीएफआर का वजन ग्रोथ चार्ट के मुताबिक साइड बाय साइड हो या एवरेज लाइन से ऊपर हो तो क्या फिर भी उसे फैटी फूड्स देने चाहिए? अगर किसी सीएफआर का वजन ग्रोथ चार्ट के मुताबिक साइड बाय साइड हो या एवरेज लाइन से ऊपर हो तो क्या फिर भी उसे फैटी फूड्स देने चाहिए या फिर नॉर्मल मील पर ले आए? फिर ये पूछ रहे हैं कि अगर नॉर्मल मील पर ले आए तो जाहिर है कि क्रियोन इनटेक भी कम हो जाएगा, तो क्या सडन क्रियोन की कमी से वजन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो ये एक खुशी की बात होगी अगर किसी का वजन जो है वो बिल्कुल जो है सही जा रहा है, और अगर ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है, तो कोशिश करें कि ऊपर ही रहे बजाय इसके कि आप कहें कि हमने नीचे लाना है, क्योंकि जब नीचे आ गया तो फिर ऊपर लेकर जाना जो है वो मुश्किल होगा। तो ये क्रिया उनको कम करने के लिए जो है ना वजन को कम ना करें, क्योंकि वजन मेंटेन करें, क्योंकि वजन जो है इज द बेस्ट इंडिकेटर of the overall health of a CF patient. अगर वजन ठीक नहीं है बच्चे का तो there's lots of complications, और breathing भी ठीक नहीं होगी, chest infection भी ज्यादा होंगे, बाकी की चीजें भी ठीक नहीं होंगी, तो try to keep the weight उस लिहाज से। अगर obviously shooting up the chart इतना है तो CF फिर सोचना पड़ेगा कि क्या इसे वाकई problem है या नहीं है, क्योंकि अमूमन बच्चों में CF के वजन gain का problem होता है, ना कि वो ज्यादा हो रहा है, तो वो जो है अगर ज्यादा थोड़ा सा हो गया तो वो फिक्र वाली बात नहीं, वो अच्छी बात है, तो उसे मेंटेन रखे बजाय इसके कोशिश करें कि कम हो। ठीक है, नेक्स्ट ही क्वेश्चन था कि क्या सीएफ वजन की तरह हाइट पर भी डायरेक्टली अफेक्ट करती है? जैसे वो कह रहे हैं कि अगर किसी सीएफआर का वजन तो चार्ट के मुताबिक हो लेकिन कद कम हो तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे कद बढ़ाया जा सके, जैसे वजन बढ़ाने के लिए फैटी फूड और प्रॉपर क्रियोन दिए जाते हैं? तो मोमन ये होता है कि इसे कहते हैं कि हाइट एंड वेट मिसमैच। जैसे मैं ये बाउल की प्रॉब्लम, ऑयली स्टूल और क्रियोन फैट कंटेंट एंड क्रियोन मिसबैलेंस हो जाता है ना, तो इसी तरह ये भी हाइट एंड वेट मिसबैलेंस हो जाता है, ठीक नहीं रहता है। तो अमूमन ये होता है कि अगर बच्चे का वजन ठीक नहीं हो रहा तो हाइट कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर बच्चे का वजन ज्यादा है और हाइट कम है तो फिर ये देखते हैं कि क्या फैमिली में बाकी के लोग, खासकर माँ बाप जो हैं, उनकी हाइट क्या है। अगर उनकी हाइट भी कम है तो ये चार्ट जो मैंने दिखाया ना, चार्ट के ऊपर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट क्या होगी इन रिलेशन टू पेरेंट्स हाइट, तो वो चीज देखी जा सकती है। अगर वो अपने पेरेंट्स के हिसाब से, पेरेंट्स भी छोटे हैं तो बच्चे का भी छोटा, वो ये एक जेनेटिक चीज है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन वगैरह या बाकी की चीजें होती हैं वो भी देखना पड़ेगा कि कोई बोन प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, विटामिन की कमी तो नहीं है,
तो वो चीजें वो चेक करना पड़ेंगी। लेकिन अगर वजन ठीक है तो अमूमन विटामिन की डिफिशियंसी नहीं होगी, लेकिन ऐसे ग्रोथ वगैरह, ग्रोथ हार्मोन वगैरह, वो चीजें जो है वो चेक करना पड़ेगी कि बाकी की चीजें ठीक है। वैसे भी सिस्टिक फाइब्रोसिस में प्यूबर्टी वगैरह और ऐसी चीजें लेट आती हैं, तो कई दफा जो है वो बच्चे का जो हाइट वगैरह है या चीजें होती हैं वो बाद में आती हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि अब नॉर्मल हो, बल्कि वो जरा लेट आ रहा है, बल्कि नॉर्मल जा रहा होता है, तो वो चीजें जो वो चेक करना पड़ेगी। तो पॉसिबल है कि वेट जो है वो ठीक हो और हाइट कम हो, लेकिन हाइट वो जेनेटिक भी हो सकती है, फेमिलियर भी हो सकती है, उसके साथ अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो कि वो डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके चेक करना पड़ेगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या एक सीएफ के मरीज को इसकी एज के मुताबिक कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए कि वो कुछ सेव भी कर सके, मैं खासा इन्फेक्शन वगैरह के हिसाब से ये कह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि इनको पता है कि ब्रीदिंग पैटर्न और एक्टिविटीज के ऊपर मुनसर होता है, लेकिन एक जनरलाइज अमाउंट का कोई आइडिया बता दें। हाँ, आई मीन मैंने कैलोरीज जो है वो कवर कर ली है प्रेजेंटेशन में भी, मेरे ख्याल शायद मैं वो स्किप कर रहा था स्लाइड, तो शायद इसमें दोबारा भी आएगी। तो वो यही है कि कैलोरीज उसके हिसाब से, बच्चे के हिसाब से जो है वेट मेंटेन होना चाहिए कि बच्चे का वजन बढ़ता रहे, तो दैट मीन्स दे गॉट इनफ कैलोरीज। तो कैलोरीज अगर स्पेसिफिकली ना कहने हाँ मैंने किलो कैलोरीज वगैरह होनी चाहिए, तो वो चार्ट प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है उसको वो रिफर कर सकती है बच्चे की एज के हिसाब से। सही है। फिर ये है कि सीएफ में उम्र के हिसाब से डेली कैलोरीज कितनी होनी चाहिए और इसमें फैट अमाउंट कितने मील पर, यानी कितने फैट ऑफ कितने ग्राम्स ऑफ फैट पर मील होने चाहिए। तो ये भी सिमिलरली क्वेश्चन है जो कि उसी चार्ट के हिसाब से, कैलोरी इनटेक वाला चार्ट जो मैंने प्रेजेंटेशन के शुरू में किया था उसको रिफर कर सकते हैं, बच्चे की उम्र के हिसाब से देख लें कितनी कैलोरीज होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा था कि तकरीबन जो है 20-25-30% जो होता है फैट कंटेंट होता है, लेकिन सीएफ में अप टू 40% ऑफ द कैलोरीज कैन कम फ्रॉम फैट, तो वो भी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो वो जो है अप टू 40% फैट आम खाने की जो है वो कंटेंट जो है वो कर सकते हैं। हाँ, यही चार्ट है जो मैंने यहाँ किया दोबारा एज ए याददाश्त, तो ये चार्ट भी यहाँ है, उसमें देख लें उम्र के हिसाब से। ऑब्वियसली मुझे इन बच्चों की उम्र का नहीं पता है, तो ये चार्ट इसी प्रेजेंटेशन में भी है जो कि जब अपलोड हुई ये वीडियो तब ये देखा जा सकेगा, तो उसके हिसाब से देख लें कि कितना कुछ है। और जो कंटेंट्स वगैरह है वो प्रेजेंटेशन में मैंने कहा है कि कितने कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज जो है वो 40% से 80% तक भी कई दफ़ा होता है, और प्रोटीन जो है वो अबाउट 1/4 to 1/3 तक होती है, और 1/5 to 1/4 तक जो है वो फैट होता है, लेकिन फैट की कंटेंट ज्यादा भी किए जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि क्या ज्यादा कैलोरीज लेना दीगर बीमारियों या प्रॉब्लम्स का बायस बन सकता है? ये सीएफ में तो अमूमन हमारा प्रॉब्लम होता है कि वजन कम होता है, तो कभी इतना नहीं हुआ कि वजन ज्यादा हो, अमूमन कम होता है। ये हमें हेल्थी जो नॉन सीएफ पेशेंट होते हैं, हेल्थी नहीं कहूँगा बल्कि नॉन सीएफ जो बंदे हैं उनको इसका ज्यादा होना चाहिए कि क्या वो ज्यादा कैलोरीज लेते हैं, उनकी हेल्थ जो है उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और प्रॉब्लम जो होती है ये ओबेसिटी, जो अभी मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, इज एन इश्यू इन द वेस्ट। 25% हमारी पॉपुलेशन इस वक्त ओवरवेट है, और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बाद की जिंदगी में जो है वो उन्हें पता चलता है कि क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में आम एवरेज जो है 45% चिल्ड्रन जो है वो माल नर्श्ड हैं, तो अगर ऑब्वियसली ये 45% ऑफ एवरेज चिल्ड्रन विदाउट सीएफ माल नर्श्ड हैं, तो फिर जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा है सीएफ में। तो सीएफ वाले अमूमन ज्यादा उनको इश्यू नहीं होता है ओवरवेट का, अमूमन अंडरवेट का प्रॉब्लम वो होता है। लेकिन ये आप देखें कि चिल्ड्रन जो है, ये बच्चों के हिसाब से है कि ओबेसिटी इस वक्त चिल्ड्रन में 1 in 3 चिल्ड्रन 4 to 5 साल के जो उम्र के है वो ओबेस हैं, 1 in 5 चिल्ड्रन दैट्स 20% एज 10 to 11 जो है वो ओवरवेट हैं। तो ये इज अ बिग इश्यू इन द वेस्ट, नॉट इन पाकिस्तान। लेकिन ओवरवेट इज ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क, और उसमें यह है कि type 2 diabetes ये है, हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, और कई कैंसर हैं जो कि बच्चों में भी प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो देर इज इश्यू विद बीइंग ओबेस एंड ओवरवेट, लेकिन दिस इज नॉट स्पेसिफिक फॉर सीएफ पेशेंट्स, ये आम लोगों के लिए जो है वो भी एक है कि उन्हें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या खाना खाए, कितना खाएं। लेकिन सीएफ में जो है मोमन हमें प्रॉब्लम होती है वेट गेन करने में, ना कि एक्सेस वेट हो। जी सर, उसमें ये भी तो आपने पहले भी बताया ना कि सिर्फ ऑयल और इन चीजों पे ना स्ट्रेस करते रहे ना, मतलब उनको भी एक बैलेंस डाइट दें। हाँ, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ दे रहे हैं फैट ही दे रहे हैं
तो वो एक तो बैलेंस डाइट नहीं होगी जो कि हेल्थी नहीं है. तो हेल्थी डाइट में फाइबर भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह वो भी करें ना, कि एक बैलेंस रखें. ये नहीं है कि बैठ के गेमें खेलते रहे कंप्यूटर के ऊपर और फैट खाते रहे और गए जी वजन बढ़ गया, तो वो भी नहीं होना चाहिए. हालांकि सीएफ में इट्स स्टिल एन इश्यू. सही बात. अच्छा नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चंस पे चलते हैं. फर्स्ट ये था कि जिसना लंग्स के लिए हाइजीन एंड प्रिवेंटिव रेजिमेन है, तो क्या गट के लिए क्या रेजिमेन है? आई थिंक दिस वाज एक्सीलेंट क्वेश्चन. ऑनेस्टली आई लाइक दिस क्वेश्चन. जो कि मैं आम उम्र कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो इसमें यह है कि जैसे लंग्स के लिए हम फिजियो करते हैं, प्रिवेंटेटिव एंटीबायोटिक, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, तो क्या गट के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड. जिसने भी पूछा मुबारक हो इतनी सोच का, अल्हम्दुलिल्लाह. तो उसमें यह है कि आपको एक बैलेंस्ड और एडिक्वेट डाइट जो है ना वो लेने की जरूरत होगी. कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बैलेंस डाइट हो और हेल्थी डाइट हो, उसमें किसी किस्म की जो है ना रिस्ट्रिक्शन फैट के ऊपर सिस्टिक फाइब्रोसिस में नहीं होना चाहिए. क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारी फैट कंटेंट वो ज़्यादा भी हो सकता है, और उसके साथ फैट सॉल्युबल विटामिन लेना चाहिए. और शायद एक बात मैंने नहीं किया है प्रेजेंटेशन में भी अभी तक, वो ये है कि जब भी ये फैट सॉल्युबल विटामिन लेने हैं तो मेक श्योर कि जब आपने क्रियोन दिया है उसके विद इन हाफ एन आवर जो है वो दे, क्योंकि इनके लिए भी क्रियोन का होना जरूरी है. अदरवाइज ये फैट अब्जॉर्ब नहीं होगी तो विटामिन भी अब्जॉर्ब नहीं होंगे. तो इनकी टाइमिंग जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन की अपने विद इन द क्रियोन टाइम जो है उसी में रखें और खाने के साथ रखें तो बेहतर होगा. उसके अलावा जो है अवॉइड इन्फेक्शन वगैरह, जो गट के इन्फेक्शन हैं जिसमें कि ये डिसेंट्री वगैरह हो जाती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाते हैं, उसमें रोटा वायरस इम्यूनाइजेशन जो है बच्चों को वो दी जा सकती है. अगर साल्मोनेला वगैरह है तो टाइफॉइड वगैरह इंजेक्शन जो है वो लग सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं. और प्रोबायोटिक्स जो है वो क्या प्रोबायोटिक्स से जो है वो इन्फेक्शन गट के रिड्यूस किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते? तो प्रोबायोटिक्स के हिसाब से ये मैंने कोशिश करनी थी कि आपको एक स्लाइड दिखा. तो स्टडीज के हिसाब से एक ये ऊपर जो आ रही थी इसमें ये था कि स्टडीज जो है ना वो ये हैं कि बैलेंस्ड हैं. कई कहते हैं कि इससे प्रोबायोटिक्स खाने से फ़ायदा है और कई कहते हैं कि इतना फ़ायदा नहीं है. और ये जो चीज़ है ना ये वाली स्लाइड ये थी कि हो सकता है कि देयर इज़ अ लिमिटेड बेनिफिट इन प्रोबायोटिक्स, तो वो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है. ये सभी जो है इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होती है कि आप अपने बच्चे के हिसाब से देखें कि क्या चीज़ ठीक है या क्या नहीं है. अगर कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है तो ना करें, अगर नुकसान दिया है तो ऑब्वियसली करना नहीं चाहिए. लेकिन ऐसी चीज़ें जिनका कि नुकसान नहीं है आप दे सकते हैं, और तो अगर फ़ायदा है तो जारी रख सकते हैं, और फ़ायदा नहीं है तो स्टॉप कर सकते हैं. लेकिन ओवरऑल यही है कि हेल्थी बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, खूब अच्छी तरह से बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए. अगर आप रोटा वायरस या टाइफॉइड इंजेक्शन वगैरह ले सकते हैं, वैक्सीनेशन ले सकते हैं, तो वो लें ताकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह की चीज़ों से बचें. और अगर प्रोबायोटिक्स वगैरह अगर काम आपके बच्चे के लिए मुफीद है तो वो भी ले सकते हैं. मेरे ख्याल है सब म्यूट तो नहीं हो चुके हैं, डॉक्टर जुबिया ही म्यूट हुई हुई है जी. ये क्वेश्चन ये है कि पूछ रहे हैं कि मेरे मैदे की कंडीशन बदलती रहती है, कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल होती है और कभी बुरी तरह क्रैम्प्स होते हैं और दूसरे भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं. तो वो कह रहे हैं कि मैं किस तरह से मुझे पता चले कि मैं कब मेडिसिन लूं और कब मैं छोड़ दूं. इसके अलावा ये है कि इनका वेट गेन बहुत स्लो है लेकिन ये अंडर वेट नहीं है, और अभी इन्होंने कभी क्रेयॉन्स नहीं लिए उसके बावजूद इनका वेट अच्छा है. सवाल ये है कि क्या मैं अपनी डाइट और क्रेयॉन्स को इनटेक को किस तरह मैनेज करूं, या मुझे आयरन की जरूरत भी है कि नहीं है? तो सवाल से पता चलता है कि इट इज प्रॉब्ली के एडल्ट पेशेंट है और क्रेयॉन ये पहले इन्होंने लिए नहीं है और वेट गेन इज गुड. तो जिन लोगों के जैसे मैं कह रहा हूँ कि 10-15% बंदे सीएफ वाले ऐसे होते हैं जिन्हें क्रेयॉन की जरूरत नहीं होती है, तो हो सकता है कि ये उस कैटेगरी में वो फॉल करते हो. या ये भी हो सकता है कि पहले उस कैटेगरी में थे लेकिन अब क्रियोन की शायद कोई प्रॉब्लम हो रही हो या अब्सॉर्प्शन के हिसाब से चल रहा हो, तो वो अपने सिम्टम्स या क्रैम्प वगैरह हैं ये अगर क्रियोन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह वजन ठीक आ रहा है, तो दैट इज गुड. लेकिन क्या इन्हें साथ कॉन्स्टिपेशन वगैरह या क्रैम्प वगैरह वो चीजें हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा. या अगर अब टमी एक्स वगैरह है तो क्या एसिडिटी की वजह से तो नहीं हो रही है, तो उसके लिए जो है वो ले सकते हैं एंटासिड लेकर और मेप्रोजोल वगैरह ले सकते हैं. अगर स्टूल जो है वो
कॉन्स्टिपेटेड नहीं है तो ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेटेड है तो कॉन्स्टिपेशन जो है उसको करें। और उम्र ये होता है कि जब खाना वगैरह खाते हैं तो क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें पैनक्रियास काम सही कर रहा है और क्रिया उनकी जरूरत नहीं पड़ रही है तो फिर क्रैम्प्स जो है वो फूड के माल एब्जॉर्प्शन की वजह से नहीं होना चाहिए बल्कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह की वजह से हो सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि कोई और बाउल प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे मैंने कहा था कि मिल्क एलर्जी वगैरह भी हो सकती है या सीलिया की डिजीज हो सकती है या ग्लूटेन वगैरह जैसे सीलिया है वो, या लैक्टोज की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो अपने एक फूड डायरी बनाए कि कौन सा खाना खाया और किसके साथ हुआ और खाने के कितनी देर बाद हुआ और क्या मेडिसिन लेना पड़ी या उनके बाल हैबिट्स क्या हैं। तो ये तकरीबन एक हफ्ता दो हफ्ता की अपनी जो है ना ये डायरी बनाए और डायरी में जो भी सुबह नाश्ता किया, लंच किया, शाम का खाना खाया, आप डायरी बना के देखें, फिर उसके टाइमिंग देखें कि क्रैम्प्स हुए हैं या नहीं हुए हैं और फिर देखें कि क्या किसी खास फूड के साथ इसकी रिलेशनशिप तो नहीं है, तो उस हिसाब से वो करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे इनके क्रियाओं की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि जी ब्लोटिंग और क्रैम्प्स को किस तरह ओवरकम किया जा सकता है। मेरे हाल में अभी ऑलमोस्ट वही चीज है कि अपने चेक करें कि खा पी क्या रहे हैं, क्रियोन की डोज क्या है, बाकी कॉन्स्टिपेशन क्या है और क्या वजूहत है, तो उसके हिसाब से देखें और जो भी कमी है उसको उस लिहाज से पूरा किया जाए और एड्रेस किया जाए। सही। पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉकेज को किस तरह आइडेंटिफाई करें। ये अगर डक्ट ब्लॉक है तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो नहीं आएंगे, तो उससे माल एब्जॉर्प्शन होगी जिससे कि जो भी सिम्टम्स हम कह रहे हैं वो होंगे। तो ये क्लिनिकल तरीका कार है, अदरवाइज स्कैनिंग के हिसाब से अगर एमआरआई स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे वो यूजफुल नहीं होगा, बल्कि वैसे ही पता चल जाएगा कि आपके पैनक्रियाटिक फंक्शन पैनक्रियास काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सीएफए और पैनक्रियाटिक एंजाइम की जरूरत है तो उसका मतलब है कि डक्ट ब्लॉक है, उन्हें मजीद आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। सही। नेल्स के बारे में क्वेश्चन थे दो के, ये पहले के नाखूनों की ग्रोथ प्रॉपर ग्रोथ के लिए अपनी बेटी में डाइट में क्या न्यूट्रिशन ऐड करें, इसके नाखून ग्रो नहीं करते, नाखून अंदर हो गए और गोश्त ऊपर हो गए। तो ये मैंने पिक्चर मांगी थी, मैं कहना मुझे पिक्चर दिखा दे कि कौन कैसी लग रही है। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं कि नेल्स बच्ची के कैसे हैं, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ब्लो करूँ तो आपको वो भी देख सकते हैं। और जैसे कह रहे हैं कि वो गोश्त ऊपर आ रहा है और नेल अंदर जा रहा है, तो मुझे सबसे पहले तो ये है कि क्या बच्चा बाइट करता है नेल्स या नहीं करता, क्योंकि नेल्स जब बाइट किए जाएं तो ऐसी सूरत होती है। और कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि वालदैन को पता चले कि बच्चे बाइट कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले वो चेक करें। अमूमन ये होता है कि बच्चे जो सीएफ में होते हैं ना, वो प्रॉब्लम ये भी और नेल्स की है, इसीलिए मैं स्लाइड वही है कि मैं भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई डिफिशियंसी तो नहीं है। तो ये जो होते हैं ना नेल्स में दिखा रहा हूँ, दैट इज द यूजुअल प्रॉब्लम इन सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसे कि क्लबिंग कहते हैं। तो ये जो आपने प्रॉब्लम बताई है कि नेल ग्रो ही नहीं होते हैं और जनवरी से नहीं काटे हैं या पूरे साल से नहीं काटे हैं, तो इट्स नॉट अ यूजुअल इश्यू इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इन ग्रो नेल्स का ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि और कई वजूहत होती हैं। अमूमन एज के साथ भी जो नेल्स होते हैं वो कम ग्रो करते हैं। अगर किसी किस्म की सीरियस इलनेस होती है बच्चों को, तो उससे भी ग्रो नेल ग्रो करना कम हो जाती है और कई दफ़ा उनके ऊपर लाइनें बन जाती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें बन जाती है जो कि बताती हैं कि बच्चे को या किसी वजह से बीमारी की इन्फेक्शन की वजह से हो गया था और रिकावट आ गई थी ग्रोथ को उनमें। तो वो नेल ग्रोथ जो है बीमारी की वजह से भी हो जाता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज में भी आ जाता है, कई बच्चे नेल्स की प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें कि विटामिन वगैरह की कमी आ जाती है, उसमें आयरन की कमी भी होती है, कई मेडिसिन जो है उनकी वजह से ये हॉर्मोनल चेंजेस आ जाती हैं। तो ओवरऑल ये है कि आप फूड जो है ना उसका अच्छा बैलेंस डाइट करें, और अमूमन कहा जाता है कि उनके फ्रूट वगैरह भी हो और ग्रीन फ्रूट वगैरह भी हो, फिश वगैरह भी हो जिसमें कि विटामिन डी वगैरह पाई जाती है, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, एग्स वगैरह है वो, तो इस बेसिकली इंक्रीज द डाइट वगैरह के हिसाब से वो करें। अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है और डाइट भी कम तो हो सकता है वो उसकी वजह हो सकती है, लेकिन ये कॉमन रीजन जो होती है वो बच्चे नेल्स को बाइट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ऐसे नेल्स लगते हैं, तो वो मॉनिटर करके कि क्या ऐसी कोई वजह तो नहीं है। सही है। नेक्स्ट ये है कि जी क्या तमाम सीएफएस को पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी होती है। ये मैं जवाब दे चुका हूँ, 85-90% को होती है, बाकी को नहीं होती है, लेकिन उन्हें भी मॉनिटर करना पड़ता है कि वो ठीक रहे बाद में भी। सही। फिर ये था कि जी 2 साल के बच्चे के लिए डाइट चार्ट तजवीज कर दें,
which never cause constipation, diarrhea, vomiting, reflux. तो मैं मोमन ना कहता हूँ कि इन मेडिसिन देर इज नथिंग एवर एंड देर इज नथिंग नेवर. तो ये जो सवाल था ना, शायद आई एम श्योर दे उनका मकसद ये नहीं था कि विच नेवर कॉजेज कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड वॉमिटिंग, क्योंकि वो आप गारंटी किसी को भी किसी वक्त भी किसी एज पे भी नहीं दे सकते कि कभी वॉमिटिंग नहीं होगी, कभी रिफ्लक्स नहीं होगा, कभी डायरिया या कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी. तो वो गारंटी कोई भी आपको नहीं दे सकेगा, और जो देगा वो बस आई डोंट नो कौन बंदा वो होगा, लेकिन डॉक्टर नहीं दे सकेगा. तो चार्ट के हिसाब से मुझे डाइट ऐसी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आपने बच्चे का वजन आम जो चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं उसके हिसाब से देखें कि अगर रिफ्लक्स है तो एंटी रिफ्लक्स की ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, अगर डायरिया है जो कि माल अब्सॉर्प्शन है तो क्रियोन की डोज एडजस्ट करना पड़ेगी, अगर साथ कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए दवाई देना है वो देना पड़ेगी, वो चीजें आपको चेक करना पड़ेंगी. तो कोई ऐसी गारंटी नहीं हो सकी कि एक डाइट आपके ये सब चीजें फिक्स कर दे. सही बात. नेक्स्ट तो ये भी आपने कर दिया है कि सीएफ वेट ग्रोथ चार्ट शेयर कर दें. हाँ, वो शेयर हो चुके हैं जी. तो ये था कि इनके 9 साल 10 माह के बच्चे को समटाइम्स बेली क्रैम्प्स होते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? तो वजह से पहले वही होता है कि मैंने आपसे पूछते हैं कि आप मुझे बताएं कि क्या वजह है, क्योंकि डॉक्टर हैं जो वो गैप का इलम नहीं जानते हैं, वो जो आपके सिम्टम्स होते हैं उसके मुताबिक बताते हैं. उसमें यही होता है कि बच्चे ने खाया क्या और बच्चे की भूख कैसी आई, उसका स्टूल कैसी आया, उसके साथ वॉमिटिंग हुई या कोई और हुआ या कोई एलर्जी फूड वगैरह के हिसाब से. तो ऐसी नहीं है कि जो कि डिसएग्री करती है या क्रियोन की डोज वगैरह नहीं आगे पीछे, तो वो चीज़ें जो है आपने मॉनिटर करनी है, वो देखनी है. वो वही है जैसे डायरी वगैरह में कह रहा हूँ कि डायरी रखें, देखें किस चीज़ से क्या हो रहा है, तो उसके मुताबिक जो है वो आप चेक कर सकते हैं. वैसे मेरे हर सवाल तो खत्म हो चुके हैं, अगर 5 मिनट में आपके ले लूं तो माइंड तो नहीं करेंगे आप लोग? नहीं जी सर, जरूर लें. तो ये एक स्टूल चार्ट मैंने जो आम लोग पूछ रहे हैं कि क्या होता है, तो ये इसे कहते हैं, ये ब्रिस्टल हमारे पास एक सिटी है तो वहाँ के पीडियाट्रिशियन ने ये ईजाद किया था. तो नॉर्मल स्टूल जो है ना, ये दरमियान में टाइप 3 और टाइप 4, ये नॉर्मल स्टूल है, ये ऊपर जो है ये कॉन्स्टिपेटेड स्टूल है, और नीचे वाले हैं ये लूज स्टूल है. जो आप पूछ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, दिस इज के क्या हम चाहते हैं बच्चों का स्टूल किस तरह से हो. बाकी जो है ये एक सवाल पहले जो मैंने कहा था कि मैं बाद में जिक्र करूंगा उसका, डिस्कस करूंगा कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ क्रियोन शुड बी गिवन टू 1.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, जो कि एक बच्ची है, उसके साथ जिम्मे में एक सवाल किया गया था. तो उसकी डाइट के हिसाब से था कि एक हमें हेल्थी चार्ट जो है वो करें, इसे सेम चार्ट जिसके लिए कहा था, हालांकि उसने 2 साल की उम्र में पूछा था कि, लेकिन बच्चे की उम्र 1.5 साल है. तो मैंने मजीद फैमिली से कंटेक्ट किया, मैंने बताया कि मुझे मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो बच्चे के जो है इस वक्त एज 1.5 साल है और वजन 8 किलो है. मेरे पास इस बच्चे का जो पहले कंटेक्ट हुआ है वो तकरीबन 7 महीने पहले हुआ था, जब बच्ची की उम्र 11 मंथ थी और वजन 5.1 किलो था. तो बच्ची इस वक्त जो है 2 क्रियोन जो है वो ले रही है 2 मील के साथ, और आधा क्रियोन अदर, तो टोटल 3 क्रियोन पर डे ले रही हैं, और डेली 4 से 5 स्टूल जो है वो पास कर रही है, जो कि समटाइम्स लूज है और समटाइम्स नॉर्मल भी है. और अगर जो एडवाइस मैंने उन्हें फ़ोन के ऊपर उस वक्त दी थी, वो मैंने ये कहा था कि इनके जो क्रियोन डोज है वो इंक्रीज की जा सकती है, क्योंकि स्टूल जो है 4-5 दिन में जो आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, बिलखसूस जबकि वो लूज भी हैं. तो मैंने कहा था कि जहाँ 1 क्रियोन देती हैं वहाँ 1.5 दें, और जहाँ आधा दे रहे हैं वो 1 दें, तो ये टोटल इंक्रीमेंट जो इनकी 3 से 5 कैप्सूल हो जाएंगे. बच्ची का करंट वजन 8 है तो 8 तक जा सकते हैं, तो लेकिन ये स्टेप वाइज इंक्रीज के हिसाब से मैंने सजेस्ट किया था. लेकिन साथ मैंने कहा कि आपको ये ग्रोथ चार्ट की बात कर रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. जब ये बच्ची पैदा हुई थी तो इसका वजन ये था जो कि अमूमन 10th percentile के ऊपर था. तो विद इन द फर्स्ट ईयर इस बच्ची का वजन, ये जो ग्रीन डॉट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 11 महीने के हिसाब से वो 5.1 किलो था, ये था, जो कि इस लाइन से आप देख रहे हैं कि लाइनों से काफ़ी नीचे गिर चुका है. लेकिन इनकी माशाल्लाह बहुत हिम्मत है पेरेंट्स की, कि पिछले जो है 7 महीने में जब से मेरा ये लास्ट कॉन्टेक्ट हुआ है, तो ये बिलो द लाइन से अब दोबारा वजन जो है ये लाइन में शामिल हो गया है. तो ये जहाँ वजन ये पहले इस पे था, लाइन से नीचे आ गया, अब ये सेकंड लाइन पे ऊपर, जो कि 2nd percentile है, तो इस पे ऊपर चला गया. लेकिन पहले बच्चे का वजन जो था तकरीबन 25th लाइन के ऊपर था. तो एम हमारा ये है कि इसका वजन यहाँ होना चाहिए, जो कि अभी भी 2-2.5 किलो जो है आम वजन से कम है. तो जो कुछ भी इन्होंने पिछले 7 महीने में किया है ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है. तो इसको ये है कि मजीद जो है इसको जारी रखें. इसमें आप कैलरीज बच्चे को एडिकोट दे रही हैं, जो कि लाइंस अब ऊपर की तरफ जा रही हैं.
तो उसके साथ आप ये करें कि क्री ऑन को अभी ज्यादा करें ताकि जो फूड है वो अब्सॉर्ब हो जाए, और अगर ज्यादा बच्ची लेना चाहती है तो मजीद उसे फूड दें ताकि ये मजीद जो कैचअप जो है ना रेट जो कि पहले लूज हो चुकी है आप गेन करना शुरू कर दिया है, तो अल्लाह ताला इसे आइंदा भी सेहत दे और बाकी सब बच्चों को भी सेहत दे। तो ये मैंने कहा कि ये ग्रोथ चार्ट का ये फायदा है कि आप देख सकती हैं कि क्या प्रॉब्लम थी और कहाँ से कहाँ आप पहुंची हैं। तो अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। थैंक यू, सेशन जरा लंबा हो गया लेकिन क्वेश्चन भी ज्यादा थे और इम्पोर्टेंट सेशन भी था, तो आई होप कि एवरीबॉडीज क्वेश्चन जो थे वो इंक्लूड हो चुके हैं। तो दुआ में सभी को प्लीज याद रखा करें।